अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बाल उद्यान नेहरू नगर में दिव्यांग जनों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। समारोह में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कमलेश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित जनों को दिव्यांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सभी दिव्यांगजन निर्धारित मापदंडों को पूरा कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को पूरा कर आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया। आयोजन की जानकारी आयोजकों ने दी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दुर्ग में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जनसमर्पण सेवा संस्था एवं जवाहर नगर महिला स्व सहायता समूह दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में बाल उद्यान नेहरू नगर भिलाई में दिव्यांग जनों का सम्मान एवं उन्हें जरूरत की सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनसमर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने कहा कि हमारे समाज में रहने वाले दिव्यांग जनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने एवं मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से सभी नागरिकों को विकलांग जनों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने एवं विकलांग जनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे राज्य में, जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें जनसमर्पण सेवा संस्था और महिला स्वसहायता समूह जवाहर नगर द्वारा एक दिव्यांग समारोह आयोजित किया गया है, जो कि नेहरू नगर चौक के बाल उद्यान पर आयोजित है, जिसमें पूरे दुर्ग जिले के दिव्यांगजनों को यहां बुलाया गया है। सभी को सम्मान स्वरूप कंबल और उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग देश में, प्रदेश में या जिले में खेलकूद में, शिक्षा में, अन्य किसी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उनका सम्मान जनसमर्पण सेवा संस्था द्वारा प्रतीक चिन्ह मोमेंटो देकर किया जा रहा है। उसके साथ साथ सारे दिव्यांगजनों पर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई है। आज देश यह देख रहा है कि दिव्यांगजन दिन प्रतिदिन किसी का एक्सीडेंट से या किसी की दुर्घटना से या किसी अन्य प्रकार से दिव्यांग होते जा रहे हैं, जिनसे उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ती है। जनसमर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 6 वर्षों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। ब्रांड एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।